संदीप सिंह। और जैसे कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट नेगेटिव आई है और बहुत ही खुशी मिल रही है, और दीदार भाई तो मेरे से ज्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी भी नेगेटिव आई है और हमें बस निकलना है 2 दिन बाद अपना घूमने के लिए, तो मिलते हैं आपसे। और कहाँ मैं जा रहा हूँ वो आपको मैं रास्ते में बताऊंगा, अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, तो राइड पे मिलते हैं। जो डेट है 2 अक्टूबर है और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। और सबसे पहले आप ये देखिए मेरी जो पैकिंग, ये मेरे सैडल बैग है, टैंक बैग है, और ये मेरा हेलमेट है। और अभी सोच रहा हूँ इतनी सुबह सुबह ये पैकिंग करके कहाँ जा रहे हैं, सो आप बने रहिए, अभी मैं बस निकलने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि 5 बजे मुझे अक्षरधाम पर मिलना है, क्योंकि वहाँ मीटिंग पॉइंट है। और वहाँ किन के साथ मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आपको मैं राइड के दौरान बताऊँगा। निकल चुका हूँ अपने घर से, बस मीटिंग पॉइंट पहुँचने वाला हूँ, और कहाँ मैं जा रहा हूँ वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं आपको मिलवा दूँ जिनके साथ मैं जाने वाला हूँ राइड पे। सो बस हम पहुँचने वाले हैं मीटिंग पॉइंट पे। कहाँ है यही बोला था, आई थिंक ये शायद यही लग रहे हैं। ओके यही है। बाजी की हाल चाल, की हाल चाल, बढ़िया बाजी की है करिश्मा। यहाँ हमारी कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी लेट हो गई है, पर कोई गल नहीं, होते हैं, पावरफुल है अभी तक है, लेट होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे विक्रम बाजी है और बहुत ही अच्छी सुबह है आज की, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, फील हो रहा है क्योंकि अक्टूबर का महीना है, तो मज़ा ही आ रहा है राइड करने का। सो फाइनली फ्रेंड्स मैं बता ही देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं श्री हेमकुंड साहब जी जा रहा हूँ अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, और बहुत बढ़िया ट्रिप होने वाली है ये, क्योंकि श्री हेमकुंड साहब जी मैं पिछले 2 साल से प्लान कर रहा था जाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया किसी रीज़न की वजह से। पर कहते हैं कि भाई जब जाना होता है तो कोई बिना रीज़न ही आप भगवान ने अपने पास आपको दर्शन के लिए बुला लेते हैं। सो आज वही हुआ हमारे साथ, और ये अनप्लान था सारा का सारा, इतना कोई हमारा प्लान नहीं था कि हमने हेमकुंड साहब जी जाना है, तो बहुत सडन प्लान बनाई हमारा। सो आज हम वहीं जा रहे हैं। सो आज जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन का जो रहेगा वो श्रीनगर रहेगा, और कोशिश करते हैं अगर उससे ज़्यादा हो पाए, बिकॉज़ यहाँ से श्री हेमकुंड साहब जी 530 किलोमीटर के राउंड है, तो कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा कवर करें आज के दिन। और लेट गो फॉर द बेस्ट, राइड ये अच्छी हो, बाबा जी राइड बहुत अच्छी करें हमारी, और वाहेगुरु जी हमारी जो राइड है बहुत अच्छे से कराएं, बहुत अच्छे से आपके दर्शन हो, अच्छे से मत्था टेक पाएँ। बस यही चाहता हूँ कि बहुत सब कुछ अच्छे से हो जाए। कि मैं आपको बता रहा था मैं हेमकुंड साहब जा रहा हूँ, तो हमने दो दिन पहले ही हमने अपना जो है कोविड का टेस्ट हमने करवा लिया था। पर आप ये सोच रहे होंगे कि अब तो हिमाचल और उत्तराखंड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हमने टेस्ट इसलिए करवाया फॉर द सेफर साइड, अपनी सेफ्टी के लिए, बिकॉज अगर आप कहीं जा रहे हैं 7-8 दिन की राइड पे, और कहीं आपको श्योर होना चाहिए कि आप हेल्दी फिट हों, बिकॉज़ आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया जितना हमसे हो सकता था, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पर आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं 7 से 8 दिन में, तो आप कोविड टेस्ट जरूर करा के जाएँ, चाहे रैपिड करा के ही जाएँ, कोई इसमें इशू नहीं है, पर आप एक इंश्योर रहते हैं कि आप कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप हेल्दी हैं और फिट हैं एकदम, ताकि आपको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसलिए हमने करवा लिया फॉर द सेफर साइड। अभी कहाँ जा रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, आज वैसे ही 2 अक्टूबर है और आज ऑफिशियली सब ऑफिसेज बंद होंगे, स्कूल तो वैसे भी बंद है, सो ये मेरे को लग रहा है कि सब ट्रैवल पर्पज़ से ही निकले हुए हैं। दिल्ली नंबर कार है और ये हमें फ्यूल डलवाने का इशारा करते हुए दीदार भाजी। सो अब टाइम आ गया अपनी बाइकों को खून पिलाने का। सो ये काम मैं कल रात ही कर चुका था। सो हमारे विक्रम पाजी हैं, ये अभी फ्यूल डलवाएंगे, इन्होंने नहीं डलवाया था, दीदार पाजी ने ऑलरेडी डलवा लिया था, ये ऑलरेडी वैसे अप टू डेट रहते हैं। इन्होंने तो 12 बजे रात को अपने घर पे मैकेनिक बुला लिया था, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने। हाँ जी पाजी, चा ठीक है, डन 12 बजे ऋषिकेश, बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल चाय के लिए रुक के, फिर देन उसके बाद अपना फिर ऋषिकेश के लिए निकलते हैं।
सो अभी हम जो है ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे आगे जहाँ भी अच्छा सा कोई ढाबा दिखेगा हमें, और उसके बाद हम ऋषिकेश एक स्टॉप लेंगे जो कि गुरुद्वारा है वहाँ पे ऋषिकेश का, वहाँ जाके थोड़ा फ्रेश होंगे, लंगर वंगर चखेंगे, देन उसके आगे देखेंगे कितना हम जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितना कवर करेंगे। सुबह की राइड का जो मज़ा है वो अलग ही होता है, और जो राइडिंग जैकेट में जो स्वेटिंग होती है उसके बाद जो हवा जाती है अंदर उसका फील ही अलग है, मतलब वो जो फील होता है ना ठंडी ठंडी फील जो आती है उसकी, वो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो अभी वो फील आ रही है, जहाँ कहीं रुकते हैं थोड़ी वो स्वेटिंग होती है तो और चलते हैं, फिर उसके बाद जो सर्कुलेट होती है हवा मज़ा ही अलग है। और सब घूमने के लिए निकले हुए हैं, सब दिल्ली नंबर गाड़ियाँ दिख रही हैं मुझे ज़्यादातर, ये के ए, ओ माय गॉड के ए नंबर, बाकी सब दिल्ली नंबर हैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ। जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कुछ चाय वाय पीने की, और सैंडविच जो है मैं घर से ही लेके आया हूँ अपने, और ये जो सैंडविच है मेरे मदर इन लॉ ने मुझे दिए हैं सुबह सुबह बना के, तो उनके लिए थैंक यू सो मच, आपने मतलब सुबह इतने उठ के मेरे लिए सैंडविच बना के दिए। कोई राइड पे जा रहे हैं ये, और बहुत सही है, हेल्दी रहो फिट रहो, पूरी जाम का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इतना जाम किस वजह से लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा जाम है आज। और हमने सोचा था आज 2 अक्टूबर होगा, ज़्यादा जाम नहीं होगा, रोड्स खाली होंगी सारी की सारी, पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। सो मज़ा भी है, कुछ अलग होना चाहिए तभी राइड में मज़ा आता है। और जैसे कि कल दीदार भाजी की बाइक में प्रॉब्लम आ गई थी रात को, और आज मॉर्निंग में मेरा जी जो आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। सो डिसाइड किया है हमने कि ऋषिकेश जाके एक पावर बैंक लेने का, अगर MI का स्टोर होगा तो वहाँ से हम पावर बैंक लेंगे, और मज़ा ही उसी में है जब तक कोई प्रॉब्लम ना आए। सो राइड का कुछ मज़ा ही नहीं होता, असली राइडर वही होता है जो प्रॉब्लम के बाद भी राइड करे। और बहुत ही सुंदर रोड है ये, मतलब आप देखो ये इस साइड आपका पूरे खेत हैं, इस साइड आपकी एक रिवर जा रही है जो कि अभी आपको दिख रही होगी, मतलब और क्या चाहिए आपको, खेत हैं रिवर है और ऐसी रोड है खुली नहीं, मतलब लद्दाख के बाद ये मतलब बहुत टाइम बाद एक राइड होगी जो 8 से 10 दिन की होने वाली है, क्योंकि हमने इससे पहले लद्दाख की राइड करी थी 2 साल पहले, और इस साल हमने स्वीति करना था जो कि नहीं हुआ, सो हम स्वीति नेक्स्ट ईयर करेंगे जो हमने डिसाइड किया। बहुत से राइडर्स हैं जो आज निकले हैं क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और ये लॉन्ग वीकेंड आया है, सो बहुत से राइडर्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे जो कि उत्तराखंड जा रहे हैं। राइड में ऐसे नज़ारे आपको मिलते रहेंगे, अभी तो ये शुरुआत है बस। तो गाइस फाइनली हमने पहला स्टॉप ले लिया है और हम रुके हैं होटल अलकनंदा में, और यहाँ पे हम अभी चाय पियेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे निकलेंगे और उसके आगे हम ऋषिकेश रुकेंगे। तो मेरे साथ कौन कौन जा रहा है हिमकुंड साहब के लिए खुलवाते हैं आपका। तो गाइस मेरे साथ जो जा रहे हैं ये हमारे विक्रम बाजी हैं, कैसा लगा सर आपको राइड करना? बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी टाइम के बाद राइड कर रहा हूँ। अच्छा बढ़िया, मज़ा ही आना चाहिए क्योंकि राइड में अगर मज़ा नहीं आएगा तो फिर राइड का मज़ा ही नहीं है। हमारे दीदार बाजी नज़ारे नज़ारे गाय पाता, मैं कहना निकले लॉकडाउन तो बाद 6 महीने बाद अंदर वह शेर बाहर आ रहे हैं, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, मतलब ये कह रहे थे कि भाई एक बंदा पीछे बिठाना है बाइक के और वो आग लगाते हुए जाएगा पूरी रोड पे। इनका एक बंदा हायर कर लिया जी मैंने 550 रुपये दिहाड़ी पे, उसको तेल की बोतल देके बिठा देना और हाथ में फुला देंगे मोमबत्ती, आग लगाते हुए आग लगाते हुए जाएंगे पूरा आग लगाते हुए, मतलब बहुत ही बढ़िया रोड है, वेदर कंडीशन भी बहुत बढ़िया है। और चलिए अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं।
नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो ऋषिकेश रहेगा। तो कोशिश यही है कि जितनी जल्दी जाएंगे और उतना ही ज़्यादा कवर कर सकते हैं आज, तो कोशिश पूरी रहेगी आज जितना जल्दी कवर करें आज राइड करके, और फिर कल के लिए हमें इजी रहेगा क्योंकि हेमकुंड साहब जाने में भी 2 दिन लग जाते हैं। और ये दिन का दूसरा ट्रैफिक जाम मिला है हमें, बहुत ही लंबा जाम है ये, और मुझे लगता है कि शायद आगे टोल होना चाहिए जिस वजह से ये जाम लगा हुआ है। लग रहा है कि जैसे कि ऑफ रोडिंग पे आ गए हम। ये अड़ रहा है ना, अच्छा हो जाएगा। हो गया, थैंक यू सो मच। अरे पूरी ऑफ रोडिंग बना रखी है यार, रोडें तो सारी की सारी पूरी ऑफ रोड हो रखी है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑफ रोडिंग का ये एक्सपीरियंस हो रहा है सर, आगे क्या होगा। कितने गेयर हैं इसमें? बहुत ही बढ़िया, मतलब 4 गेयर वाला क्या जुगाड़ू स्कूटर बना रखा है इन्होंने। मतलब हम इंडियंस जो है ना, मतलब जुगाड़ के मामले में नंबर 1 पे ही आते हैं पूरे वर्ल्ड में। हरिद्वार आ चुका है, आप जैसे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हरिद्वार है। मुझे लग रहा था कि अब कोई जाम नहीं मिलेगा और ऑफ रोडिंग नहीं मिलेगी, पर जैसे ही मैं आगे निकला हरिद्वार से तो ये देखिए आप कितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है इस रोड की। हम ऋषिकेश पहुंचने ही वाले हैं और सबसे पहले जो हमें काम करना है वो दीदार बाजी की करिश्मा का और विक्रम बाजी के बुलेट का जो है हमने साइड व्यू मिरर लेना है। सो गाइस हम ऑटो मार्केट में रुके हैं अभी, दीदार बाजी जो हैं वो उस साइड गए हैं वहाँ पे अपना साइड व्यू मिरर पता करने के लिए, और विक्रम बाजी MI का पावर बैंक पता कर रहे हैं मेरे लिए। एक्चुअली मेरा जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो कि मेरा जो मोबाइल का जो चार्जिंग पॉइंट है वो ख़राब हो चुका है, तो यहीं शॉप भी मुझे दिख गई यहाँ पे MI की, तो यहाँ पता कर रहे हैं कि कौन सा उनके पास अवेलेबल है, 10,000 mAh या 20,000 mAh। मैंने पावर बैंक ले लिया है और दीदार भाजी के भी साइड भी मिरर जो है लग चुके हैं, इनको भी इनका भी काम यहीं से ही हो गया था, तो चलो बढ़िया, दोनों के काम यहीं से एक ही जगह से हो गए हैं, कहीं रुकना नहीं पड़ा। 10 वाट का सीगा। हाँ हाँ वो स्लो चार्जिंग थी। हाँ 950 फास्ट चार्जिंग। क्या बात है भाजी, अच्छा चलो बहुत वधिया, प्रभु हो तुसी, प्रभु साक्षात भगवान प्रकट हुए हमारे पास है। अच्छा ये सेम ही प्राइस में है, गलती से दिया था या जानबूझ के दिया था? यार वो जानबूझ के दिया था, वो कह रहे थे 900 रुपये का, मैं कहा भाजी 900 रुपये का 18 वाट है ऑनलाइन, कहते चलो फिर 950 इसके। चलो जी बहुत बढ़िया मज़ेदार। विक्रम भाजी कहाँ पे हैं? आ रहे हैं। चलो फायदा हो गया है। मेरी तरफ से आज पार्टी समोसे की। ये भाई है, इन्होंने सर पे टॉवल रखा हुआ है, आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी हो सकती है अभी। हम
हम अभी ऋषिकेश गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लंगर छकेंगे और थोड़ा सा फ्रेश होंगे, देन हम कोशिश करेंगे आज जोशीमठ तक पहुँचें, बिकॉज यहाँ से जो रूट है डाइवर्ट किया गया है और यहाँ से जाने के लिए हमें तेरी से होके जाना पड़ेगा। सो हम तेरी से जाएंगे तो वहाँ से हमें 50 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। सो होप फॉर द बेस्ट, कोशिश करेंगे आज जहाँ तक पहुँच पाएंगे। और सो गाइज, हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं और यहाँ से अभी हम फ्रेश हुए हैं, मुँह हाथ धोया है, आप देख सकते हो ये टी शर्ट की क्या हालत हो गई है, पूरी स्वेटिंग है, पीछे बैग देखो तो पूरी बैग पूरी स्वेटिंग हुई पड़ी है। और बस हम यहाँ से अब थोड़ा सा लंगर चखेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे हम, और कोशिश यही रहेगी कि जोशीमठ पहुँचा जाए क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, और देखते हैं अगर हो पाता तो जाएंगे वहाँ तक, नहीं तो बीच में कहीं स्टे कर लेंगे। दीदार भाई जी, कैसा लग रहा है ऋषिकेश आके? भाजी सच्ची बताऊँ, हाँ दर्द हो रहा था बट यहाँ आकर जो मुँह धोया ना, बैटरी ऐसे होता ना 10% पे, अब 35% हो गई है, बाकी भी पानी पूनी पियेंगे, लंगर छकेंगे, फिर तो पता ही आपको, फिर 150% है। फिर तो अभी हमने एमआई का चार्जर भी ले लिया तो उससे भी थोड़ा चार्ज कर लेंगे अपने आप को, फास्ट चार्जिंग है ना। सो हमारा साल ऐसा था कि हम दिल्ली से आ गए हैं, मेरी बाइक पे रेयर भी मिरर नहीं थे, पावर बैंक हम लेकर नहीं आए, पावर बैंक भी ऋषिकेश से लिए, रेयर भी मिरर भी लिए। अब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे होता ना नासा के, नासा ने एक मिशन तैयार कर दिया मून पे भेजने के लिए, हम ऐसे तैयार हो गए हैं, अब जाएंगे एकदम सीधा टॉप एंड टॉप, खत्म, कहीं नहीं रुकना, बिना ब्रेक बात करेंगे इस रास्ते में, अब शूट हम शॉट जाएंगे, शूट हम शॉट। जो बजे हैं 3:15 हो चुके हैं अभी, और हमने लंगर चख लिया है और फ्रेश हो चुके हैं, और हम यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम जोशीमठ तक जाएं, जो कि यहाँ से अराउंड 7 घंटे का रास्ता है, 7 से 8 घंटे का रास्ता है। तो निकलते हैं यहाँ से, देखेंगे अगर नहीं हो पाएगा तो कहीं बीच में स्टे करेंगे। और ये साथ में एक राइडर आए हुए हैं, दिल्ली से हैं, ये हिमालयन भी आप देख रहे हैं सामने, और ये आए हैं 1200 पे किलो की, जो कि पंजाब से आए हैं, तो ये भी हेमकुंड साहब ही जा रहे हैं, तो साथ ही जा रहे हैं ये भी हमारे, तो चलो देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे हम। फॉर द बेस्ट, राइड अच्छी हो, बाबा जी राइड बहुत अच्छे से कराएं, सब कुछ बढ़िया रखें, चलो चलो। और अभी हम जा रहे हैं चंबा, और चंबा से होते हुए हम जाएंगे तेहरी, और तेहरी से होते हुए हम जाएंगे श्रीनगर, और ये जो रूट है थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं कहीं जगह पे रोड्स बंद रही हैं अभी भी, तो काफ़ी केयरफुल चलानी पड़ रही है। अब थोड़ा मौसम यहाँ का बढ़िया हुआ है, हवा भी ठंडी चल रही है और वेदर भी काफ़ी बढ़िया हो चुका है। मुझे लगता है शायद चंबा आ चुका है, ये जो सामने है जो आप देख पा रहे हैं ये चंबा है, और यहाँ से फिर तेहरी जाना है हमने, और कमर की तो पूरी बैंड बज चुकी है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, पूरी कमर दर्द हो रही है और पैर भी बहुत दर्द हो रहे हैं, सुबह से राइड कर रहे हैं हम 5:30 बजे से, और स्टार्टिंग में इतना ट्रैफिक मिला हमें, गर्मी थी, ट्रैफिक था, रोड कंडीशन ठीक नहीं थी, तो देखते हैं अभी आगे कहीं ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक, उसके बाद फिर फ्रेश होके आगे चलेंगे। जबरदस्त व्यू है यहाँ का, आपको 2 मिनट खड़े होकर दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और ये डैम है, तेहरी डैम है, और यहीं से हम आप श्रीनगर के लिए निकलेंगे। राइड करते हुए अगर आपको ऐसे नज़ारे मिल जाते हैं
तो और क्या चाहिए आपको, सारी थकावट वहीं उतर जाती है जो राइड करते हुए होती है। और ऐसी जगह से ऐसे नज़ारों से आपकी एनर्जी है वो बूस्ट हो जाती है, चार गुना बूस्ट हो जाती है राइडिंग करने के लिए। और आप सामने देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब जन्नत है। ये देखिए आप, ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं फाइनली और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। हमें जाना तो था जोशी मठ बट हम नहीं पहुंच पाए बिकॉज यहाँ का जो रूट है बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से हम नहीं पहुंच पाए। तो फाइनली हमने श्रीनगर के गुरुद्वारा जो है वहाँ पे हमने स्टे किया है और हमने ये डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के हम जोशी मठ के लिए निकलेंगे वहाँ से, और कोशिश करेंगे कि हम मेघमुंड साहब कल 2 बजे से पहले पहुँचें ताकि हम ट्रैकिंग शुरू कर पाएँ। बट होप फॉर द बेस्ट, देखेंगे अगर हम पहुँच पाए तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम परसों करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए मैं ये वीडियो अभी यहीं एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अभी आप देख सकते हैं गुरुद्वारा ये पूरा बंद हो चुका है। और ये हमारे पाजी हैं, सर कैसी लगी राइड आपको? बहुत बढ़िया, मज़ा आया, बहुत। थकावट तो नहीं हुई? कोई भी है नहीं हुई, ठीक है, चल रहा है। बहुत थके हुए हैं, सीरियसली सब थके हुए हैं अभी, मतलब बयान नहीं कर सकते। जब लेटेंगे तो पता चलेगा, जब दर्दे निकलेंगे तो वहाँ से अभी लंगर खा के और जल्दी सोएंगे और जल्दी मॉर्निंग में उठ के हम निकलेंगे। सो आज की वीडियो में यहीं एंड करता हूँ और कल कब कहाँ कैसे निकलेंगे तो मैं आपको मॉर्निंग में मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।